प्रातः क्लास है 24 जुलाई 1970। अधिकार चला है बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। किसने किसके सामने प्रतिज्ञा की? बच्चों ने बाप के सामने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? दुनिया बदल जाए लेकिन हम बदलेंगे नहीं। इसका निगेटिव अर्थ भी होता है क्या? तो निगेटिव नहीं उठाना, क्या उठाना? कि दुनिया धोखा दे जाए लेकिन हम बाप को कभी धोखा नहीं देंगे। नीचे नीचे बच्चों ने ये गीत सुना। आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। शरीर काम का कब तक रहता है? जब तक इसमें आत्मा है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। जैसे आजकल मोटर चली है, उनमें बैटरी डाली जाती है। मोटर इतनी बड़ी और बैटरी इतनी छोटी चलती है, लेकिन वो तो फिर भी हद में है। वो बैटरी पकड़ में आती है, स्थूल है, और ये आत्मा रूपी बैटरी इतनी सूक्ष्म है कि पकड़ में भी नहीं आती है। फिर भी इतनी छोटी आत्मा से इतना बड़ा शरीर काम करता है। दुनिया में जिसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, और वो आत्मा इस शरीर में विराजमान है। अकाल मूर्त आत्मा का ये शब्द है कौन सा? प्रकृति। इस शरीर में अकाल मूर्त आत्मा का ये शब्द है। बच्चों को ये ज्ञान मिलता है और कितना रमणीक रहस्ययुक्त ज्ञान है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है और प्रकृति के मध्य में निवास करती है। कोई ऐसी रहस्ययुक्त बातें सुनी जाती हैं तो उन पर चिंतन चलता है ना। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलना है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ रोधा हुआ है। एक जन्म की बात नहीं है, एक चोले की बात नहीं है। 84 जन्मों में 84 चोले धारण करती है और 84 चोलों के द्वारा पाठ बजाती है। शरीर तो विनाश होते जाते हैं और आत्मा अविनाशी रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठ करके ये ख्याल करना चाहिए। अभी बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, और उन छोटी सी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल, और ये वंडरफुल ज्ञान तुम आत्मा को मिला हुआ है जो और किसी को पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं।
जो तुम्हें करना होता है। हम छोटी सी आत्मा हैं, कैसे फाइट बजाती हैं। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये शरीर पांच तत्वों का पुतला है, पांच तत्वों से बनता है। बाबा को तो नहीं मालूम पड़ता है इस पांच तत्वों के टोले में शिव की आत्मा कैसे आती है। इन्हें ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहते हैं। इसमें ब्रह्मा के तन में सदैव रहते हैं ये भी कोई पक्का नहीं। तो ये चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो और कोई को मिल नहीं सकता है। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान उनकी आत्मा में भी नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रिंग तक भी नहीं रहता। कुछ साधु संन्यासी आज ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा उनको मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। तो देखो एक भी मनुष्य मात्र दुनिया में आत्माभिमानी नहीं है। आत्मा का ये ज्ञान कोई को है ही नहीं। जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप कैसे है। मीठी मीठी बच्चे अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे इस शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। बैठ पढ़ाते हैं माने परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाली आत्मा अलग और शरीरधारी की आत्मा अलग। कितनी समझ की नई बात है। परंतु फिर धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो और कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं। ज्ञान भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु ज्ञान ये ज्ञान है ना, हिसाब है। तुम जानते हो कि आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे बुरे काम करती है। बाप आए आत्मा को कितना गुनगुन बनाते हैं। तो बाप कहते हैं सवेरे उठकर यही ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। और आत्मा का बाप है परमपिता परमात्मा जिसको पतित पावन ज्ञान सागर कहते हैं। ये निराकार परमात्मा की महिमा है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो साकार देहधारी मनुष्य हैं वो पतित पावन नहीं हो सकते क्योंकि सभी मनुष्य मात्र को अपना अपना शरीर है और परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, इसीलिए वो पतित पावन है। फिर उनको सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर कहा जाता है ना। परंतु मनुष्य मात्र को सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, सचिव आज में कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण पवित्र थे।
वो फिर अपवित्रता का सागर भी बनते हैं। कब? कलयुग अंत में अपवित्रता का सागर, कलयुग के आदि में पवित्रता का सागर बनते हैं। तो सदैव पवित्रता का सागर रहे वो तो सिर्फ एक सदा से वही है जो सदैव पवित्रता का सागर। कलयुग अंत में भी आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित संघ में आते हैं, बंदरों की महफिल में आते हैं, साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, तो भी पवित्रता का सागर। एक बाप ही है जो सदैव पवित्रता का सागर। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं। वर्णन करना अलग बात है और प्रैक्टिकल में अनुभव करना अलग बात है। कैसे? क्या अंतर? भक्ति मार्ग में वो वर्णन करते हैं भगवान पवित्रता का सागर है, फिर अनुभव करते हैं। क्यों नहीं अनुभव करते? भगवान साकार में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में उनके सामने वो बात आती नहीं कि भगवान कैसे पतित मनुष्यों के बीच में, पतित परिवारों के बीच में रहते हुए भी पावन बन करके रहता है। पतित बनता ही नहीं, तुम्हें तो प्रैक्टिकल अनुभव। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा शरीर से बाप की महिमा करते हैं, उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि महिमा करने वाली आत्मा है, शरीर के द्वारा मुख द्वारा महिमा करते हैं। तुम समझते हो हमारा माँ बाबा बहुत मीठा है, वो मीठा बाबा हमको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं आत्मा है। अभी तुम जन्म जन्मांतर का सुख लेना चाहती हो तो तुम मेरी मत पर चलो। सुख का सागर बाप है, उस बाप की मत पर चलेंगे तो तुम जन्म जन्मांतर सुखी होकर के रहेंगे। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। आत्मा भी अविनाशी, मत देने वाला परमपिता परमात्मा भी अविनाशी, और जो मत देते हैं वो भी अविनाशी। अभी संगमयुग में एक बार धारण करेंगे तो 84 जन्म तक वो अविनाशी मत काम करती रहेगी। वो विनाशी शरीरों को विनाशी शरीरों की मत मिलती है, देहधारी गुरुओं की मत मिलती है ना, वो गुरु लोग भी विनाशी, उनकी मत भी विनाशी। सत्युग में तुम्हें यहाँ के कारण पाते हो। यहाँ की मैंने कहा कि संगम युग की प्रारब्ध है, तुम सत्युग में प्राप्त पाते हो। वहां कब उल्टी मत नहीं मिलती है? कहां सत्युग में कब उल्टी मत मिलती नहीं? अभी की श्रीमत सत्युग में अविनाशी बन जाती है। कैसे? वहां अविनाशी बाप तो होता नहीं, फिर अविनाशी मत कैसे बन जाती है? क्योंकि अविनाशी बाप जो है वो यहां आकर के हमारी अवस्था अविनाशी बना देते हैं, हमारे अंदर से देहवान खलास हो जाता है। देह अविनाशी तो देह का भान भी खराब हो जाता है, और आत्मा अविनाशी बन जाती है तो उसके मत अविनाशी ठहर जाती है। कितने टाइम तक अविनाशी मत ठहरती है? नहीं, 21 जन्मों तक अविनाशी मत ठहरती है। फिर जब देहधारी धर्म गुरु आते हैं तो मत मिक्स करते रहते हैं।
यहाँ जो जितनी मतभिक्त करते हैं बाप से मिलने के बाद, तो वहां भी उनकी मत में मतभिक्त होती रहती है, और यहाँ एक बाप से बैठ सुनते हैं तो वहां भी वो दूसरे की मत को मिक्स करते नहीं, अविनाशी मत बनी रहती है। तो ये देखो ज्ञान नया है, अभी की श्रीमत पक्की धारण की तो अविनाशी बन जाएगी, और ये अविनाशी मत आधा कल्प तो पक्का चलती है, इसमें कच्चे पर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको हजम करने की, और फिर इस ज्ञान को एक्ट में भी लाना है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनने सुनाने बोलने वो समझाने का ज्ञान है, ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक भी सिधार नहीं होता है, ये ज्ञान अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारण नहीं होता है तो उससे क्या साबित होता है कि हमने शुरू में भक्ति नहीं की है, और अगर भक्ति की है तो विविचारी भक्ति की, इसलिए दूसरों की बातें जल्दी समझ में आ जाती है और बाप की बात जल्दी समझ में नहीं आती। जिन्होंने अभिविचारी भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में अभिविचारी ज्ञान बैठेगा, जिन्होंने आदि में भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में सुनाते ही आदि में ही बैठ जाएगा, अभी अभी सुना और अभी जब ही झट बुद्धि स्वीकार कर लेगी। आदि की जिन्होंने भक्ति नहीं की होगी सतोपधन उनकी बुद्धि में तुरंत ये ज्ञान बैठेगा। सतोप्रधान भक्ति की है तो सतोप्रधान ज्ञान उठावेंगे, तमोप्रधान भक्ति की है तो तमोप्रधान ज्ञान उठावेंगे, बहुत भक्ति की है तो बहुत ज्ञान उठावेंगे, थोड़ी भक्ति की है तो ज्ञान बहुत थोड़ा उठावेंगे। 24/67 की वाणी का दूसरा पेट। बाप कैसे रहते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझते हो, कोई बात समझ में नहीं आती है तो बाप से पूछो, क्यों आपस में एक दूसरे से पूछ ले तो क्या हो, तो क्या नुकसान हो जाएगा है? आपस में एक दूसरे से पूछेंगे तो वो अपनी मत के अनुसार बता देगा, अपनी मत कुछ न कुछ मिक्स करेगा, इसलिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सृजन। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए अविनाशी सृजन है, क्यों कैसे अठारह नमस्कार में शरीर छोड़ दिया, तो अगर वो पूछना चाहे बाप से तो कैसे पूछेंगे, पूछ नहीं सकते। लेकिन बाप ने तो बता दिया कि बाप है अविनाशी सृजन, जब तक कंदयुग है तब तक बाप पढ़ाई पढ़ाने के लिए बांधा हुआ है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। जो अविनाशी सृजन है वो सुप्रीम सोल है, आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है, आत्मा अपवित्र बनती है तो गुलामी होती है। कहते हैं कृष्ण श्याम और कृष्ण सुंदर, लेकिन कौन से कृष्ण की पूजा करते हैं? श्याम कृष्ण की पूजा करते हैं, सुंदर कृष्ण की पूजा इतनी नहीं करते। सुंदर कृष्ण जब सुंदर बन जाता है तो नारायण कहा जाता है। नारायण कौन से युग में हुआ है? संगम युग में भी तामसी टाइम में होगा या सात्विक टाइम में होगा?
स्वर्ण युग में होगा, तामस युग में नहीं होगा। तो देखो पवित्रता की महिमा कितनी होती है। एक लक्ष्मी नारायण ही है जिनकी शास्त्रों में कोई ग्लानी नहीं है और सब देवताओं की ग्लानी है। क्यों? सब देवताओं की ग्लानी क्यों है, लक्ष्मी नारायण की ग्लानी क्यों नहीं? क्यों प्रश्न? 16 कला संपूर्ण नहीं है, है? कृष्ण जी तो 16 कला संपूर्ण गाया जाता है। फिर कृष्ण की ग्लानी भी कर दी, राम की ग्लानी कर दी, कृष्ण की ग्लानी कर दी, शंकर की ग्लानी कर दी, सब देवताओं की ग्लानी है, लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि उनका संपन्न रूप जो है जिससे और ऊंचा कोई रूप होता ही नहीं। शरीर सतो प्रधान बन जाता है, 5 तत्वों का चोला भी साक्ष तो बन जाता है, इसलिए उनकी कोई ग्लानी नहीं। जिसे कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम, माने ग्लानी कर दी कृष्ण का लगू, काला मुंह वाला कृष्ण, गोरा सुंदर, तो जरूर है कृष्ण की आत्मा अप एंड डाउन का झूला झूलती होगी। झूला झूलते हैं ना, तो कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। हम बच्चे भी तो झूला झूलते हैं ना, कभी ऊंची से और कभी नीची से। तो देखो शरीर की भी महिमा हो जाती है, आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो शरीर की भी महिमा हो जाती है, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत बुरी बुद्धि मिलती है, आत्मा कोई बुद्धि मिलती है तो आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। मीठी आत्मा होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये मीठी आत्मा है ये कड़वी आत्मा है? मीठा बोलो। हाँ, मीठी आत्मा होगी तो सबको सुख देगी, कड़वी आत्मा होगी तो सबको दुख अनुभव कराएगी। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी आकर बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य न करे ये प्रैक्टिस करनी है। मेरे से कोई भी अकर्तव्यकारी तो नहीं होता है, अकर्तव्य मन जो ना करने योग्य कार्य है ऐसा कार्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कब अकर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों है? तो बाबा अकर्तव्य कार्य नहीं करेंगे, वो बच्चे को झापट मार दे तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ होगा। शिव बाबा जो करेंगे सब सच्चा करेंगे, जो सुनाएंगे सच्चा सुनाएंगे, जो वाइब्रेशन छोड़ेंगे सच्चा छोड़ेंगे, जो संकल्प करेंगे सच्चा करेंगे। इसलिए उनको कहा जाता है सब सच कितना आनंद। वो आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कर्तव्य करने के लिए, उत्तम से उत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संग में। इससे जाति उत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कोई होता ही नहीं, सबको सदगति देते हैं। किसी एक को दे एक को न दे ऐसे नहीं, हाँ सदगति नंबर वार होती है, एक जैसी सदगति सबकी होती नहीं है। जो बाप कर्तव्य करते हैं तो वो कर्तव्य बच्चों को भी करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए?
बाप अगर सबकी सदगति करते हैं तो बच्चों को भी किसी के प्रति बुखार अंदर में नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या दे तो, किसी को ज्ञान सुनाना है बहुत प्यार से सुनाना है और किसी से लड़ाई लड़ने लग पड़ना है, ऐसे नहीं। सबको इतने ऐसे ज्ञान सुनाना है, बाप सबका सदगति दाता है ना, ये भी समझा है। जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में ये ज्ञान जरूर ठहरेगा, और शुरू से लेकर जिन्होंने अंत तक पूरी भक्ति नहीं की होगी उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। मान लो बीच के जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया तो भक्ति तो नहीं की, कन्वर्ट हो गया तो उसने दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दी दूसरे धर्म पिताओं की, तो यहाँ भी जो शूटिंग की रील घूमेगी उसमें वो देखने में आएगा, पहले बाप की बात बुद्धि में बैठेगी और बाद में वो दूसरों की बातों में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी देखो भक्ति तो दुनिया में बहुत है, कितने ढेर के ढेर देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, तो भक्ति कैसी हो गई, व्यभिचारी भक्ति हो गई, एक की भक्ति अब व्यभिचारी और अनेकों की भक्ति व्यभिचारी। इतनी तो भक्ति करते हैं कि अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं, रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों की पिछाड़ी, जो कम भक्ति करने वाले हैं वो लटकते रहते हैं। बहुत भक्ति करने वाले भक्तों की कम भक्ति करने वाले महिमा करते हैं, उनका तो सारा भी स्कूल में देखने में आता है। यहाँ तो तुम्हारा सब गुप्त है, तुम्हारा ज्ञान गुप्त, तुम्हारा मान गुप्त, तुम्हारी यह विधि गुप्त, और तुमको क्या प्राप्ति होने वाली है वो भी गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आज मध्यंत का सारा ज्ञान, ये भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अभी फिर हम घर जा रहे हैं, जिस घर से हम आत्मा आते हैं वो ही हमारा घर है, वहीं फिर वापस जा रहे हैं, और उस घर में शरीर ही नहीं होता तो आवाज कैसे होगा, क्या शरीर होता है तो आवाज होती है, शरीर नहीं होता तो आवाज भी नहीं, आत्मा बिगड़ शरीर क्या बन जाती है। देखो मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, आत्मा तो उससे निकल गई, शरीर मुर्दा बन गया, उन पांच तत्वों पर कितना लव रहता है, किताब पर चढ़ते हैं कितना मोह रहता है शरीर में, अभी तुम समझते हो नष्ट मोह तो होना है, तुमको सारी दुनिया के नष्ट मोह होना है, ये शरीर तो खलास हो जाना है, सारे शरीर खलास हो जाएंगे तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु फिर भी मोह रहता है। कोई वर्ष वर्ष ब्राह्मण खिलाते रहते हैं, याद करते हैं ये फलाने का ब्राह्मण है, अरे अब वह आत्मा थोड़े खा सकती है, जिस ब्राह्मण को खिलाया वो तो दूसरा है,
तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। किन बातों से? सात दादी खिलाना, तेरहवीं आदि खिलाना, इन बातों से तुम्हारी बुद्धि डिटैच हो जानी चाहिए। बुद्धि में है ये सारा ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोह बनना है। मोहजीत राजा की आख्यानी भी है। कौन सी आख्यानी? कहानी और मोहजीत राजा की कहानी है, है? हरिश्चंद्र राजा की। और कोई मोहजीत राजा होता नहीं है, एक ही कहानी है। ये तो कथाएं बहुत बनाई गई। वहां तो अकाल मौत होता नहीं है, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। तो जो मोहजीत राजा की कहानी है वो किस समय की यादगार है? जरूर है। संग युग में कोई ऐसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ है जिसकी ये कहानी बनाई है? बैठ दिखाते हैं कि बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे को सर्प ने डसा, अकाले मृत्यु हो गई। अब ये सत्य की तो बातें हैं नहीं। स्वर्ग में कोई कोई मोह नहीं रहता, वहां यथा राजा रानी तथा सब प्रजा बनती है। ऐसे होते हैं, है ही नष्ट मोहा की राजधानी। रावण राज्य होता है तो मोह होता है, वहां सत्युग में तो कोई विकार नहीं होता, रावण का राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। रावण की राजाई को शैतानी राज्य कहा जाता है। राम राज्य में क्या होता है कोई को कुछ भी पता नहीं है, सिवाय बाप के, और कोई ये बात बताता भी नहीं है। बाप के शरीर में होते भी ये अथवा नहीं है, लोन पर अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें जो मोह रहता है, मकान को अच्छी रीते फर्निश कराते हैं। बाबा ने भी ये ब्रह्मा का तल लोन लिया है तो इसको फर्निश कराते हैं क्या, झाड़पोछ कराते हैं क्या? नहीं कराते। कितनी खांसी आती थी, क्या रिपेयरिंग कराई क्या? नहीं। क्योंकि बाबा को इस तल से कोई मोह नहीं है, वो तो किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें कितना मोह रहता है। इस रथ को तो फर्निश करना ही नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीर ही है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको कौन से शरीर को? ब्रह्मा के रथ को कोई भी श्रृंगार आदि करने की दरकार नहीं है। इनको तो सिर्फ यही प्रैक्टिस है अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारे। इनको माने किनको? ब्रह्मा को। लेकिन मंदिर में जब श्रावण का मास होता है तो शिवलिंग को कितना श्रृंगारते हैं, हर सोमवार को गुलाब के फूलों से श्रृंगार करेंगे। ये किसकी यादगार है? ब्रह्मा के रथ को तो श्रृंगार नहीं है। हाँ, ब्रह्मा का रथ तो टेम्पररी रथ था, वो मुकर्रर रथ नहीं था। लेकिन जो मुकर्रर रथ होता है, जब श्रावण मास आता है, संसार में चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान बरसता है,
तो उस समय उस तरफ को क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। इसलिए उसकी यादगार में जो लिंग है जिसमें बिंदु सुप्रीम सोल दिखाया जाता है वो लिंग का श्रृंगार करते आज गजत का राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम समझाओ। अभी तो ये शरीर तो अपवित्र है, इनको जब दूसरा शरीर मिलेगा तो ये पवित्र नया होगा। इनको इनको ब्रह्मा को जब दूसरा नया शरीर मिलेगा, बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, तो इनका शरीर पवित्र और नया होगा। इस समय से ये पुरानी दुनिया है। कब तक इस समय ये पुरानी दुनिया मैंने कब तक बताया? ब्रह्मा के जीवित होने तक बताया। इस समय ये नई पुरानी पतित दुनिया है। फिर घोषणा करा दी क्या, 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो क्या 75 में नई दुनिया बन गई है? बन नहीं गई, लेकिन ये कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया। तो पुरानी दुनिया से मोह ममत्व त्याग दिया तो जैसे पुरानी दुनिया खलास हो गई, नई दुनिया का बनाना शुरू हो गया, माने नए संगठन की बनने की शुरुआत संकट करते हो गई। तो ये दुनिया तो खत्म हो जानी है। ये भी किसको पता नहीं कि पुरानी दुनिया खलास हो रही है, आस्ते आस्ते मालूम पड़ेगा। क्या कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, आस्ते आस्ते मालूम पड़ेगा। माने ब्राह्मणों की जो संगमित दुनिया है वो 75 से विनाश होना शुरू हो गई और नई दुनिया की स्थापना शुरू हो गई। दोनों काम साथ, एक तरफ पुरानी दुनिया में विघटन होता है और दूसरी तरफ नई दुनिया का संगठन शुरू होता है। तो ये आस्ते आस्ते मालूम पड़ता जाएगा, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ये भी बाप का ही काम है। क्या कोई भी धर्म पिता है या कोई भी मनुष्य मात्र पुराने संगठन को खलास कर दे दे और नया संगठन दुनिया में स्थापन कर दे दे, ऐसा कोई करता नहीं। जो भी धर्म पिताएं आए अपना अपना नया धर्म स्थापन तो किया, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश कोई नहीं कर सके। ये तो बाप का ही काम है, बाप यह है ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम नई दुनिया में हो ना, नई दुनिया में कौन रहते हैं? देवता ही रहते हैं। पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया में सब आप और नई दुनिया में जो देवता बनने वाली आत्माएं होंगी वो ही आवेगी, दूसरी आत्माएं नहीं आवेगी। तुम्हारी खुशी देवताओं से भी ऊपर है। क्यों है? क्योंकि देवताओं को भगवान नहीं मिलेगा और तुमको भगवान मिलता है। देवताओं को तीनों पालों का ज्ञान नहीं होता है और तुमको तीनों पालों का ज्ञान होता है। तो ये संगम युग सबसे ऊंची युग है। संगम युग से ही नई दुनिया होगी, ऐसे नहीं कि जब तक संगम युग है तब तक पुरानी दुनिया रहेगी, फिर संगम युग खत्म होगा तब नई दुनिया आवेगी। नहीं, नई दुनिया की शुरुआत कहां से होगी? संगम युग में ही नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। एक तरफ पुरानी दुनिया भी होगी और दूसरी तरफ नई दुनिया भी। पुरानी दुनिया के बीच बाप आकर के नई दुनिया का वर्षा देते। पतितमोपदान दुनिया भी होगी
और 25 तमो प्रणाम दुनिया के बीच नई दुनिया का संगठन भी बना हुआ होगा। नई दुनिया छोटी होगी और पुरानी दुनिया बड़ी होगी। तो देखो ऐसे जो ब्राह्मण बनते हैं नई दुनिया में संगम युग में, उन ब्राह्मणों की खुशी भी बहुत ऊंची होती है। ऐसे तो 100 वर्ष का संगम युग है, संगम युग के आदि में साक्षात्कार में जाते थे, ध्यान में जाते थे, स्वप्न देखते थे, खुशी तो होती थी ना, लेकिन उनकी खुशी उतनी ऊंची नहीं होगी जितनी संगम युग के अंत में जो नई दुनिया बनेगी उस नई दुनिया में रहने वालों को जितनी ऊंची खुशी होगी। बात ने समझाया, तुम बोध में आते हो तो पहले पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप की गोद में जाते हैं, हम कोई देहधारी की गोद में नहीं जाते। शिव बाबा को याद करके फिर इनकी गोद में आना चाहिए। 24 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज। शिव बाबा की याद में रहकर के गोद में जावेंगे तो तुमको खुशी बहुत बढ़ती जाएगी। बुद्धि में आवेगा उस बाप ने ही शरीर का लोन लिया है, उस बाप ने, ब्रह्मा ने नहीं, शिव बाबा ने ही इस शरीर का लोन लिया है। तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, आकारी नहीं है, जो बाबा साकारी नहीं है, क्या है, निराकार है। जो निराकार है वो शरीर का सुख लेने वाला नहीं है, उनकी गोद में हमको कैसे जाना चाहिए। शिव बाबा को याद करके जाना चाहिए, तो उस बाप को याद करके ही गोद में आना है। तुम जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है, वह इसमें बैठा हुआ है, शरीर तो ये पतित है ना, इसमें बैठा है ज्ञान सुनाने के लिए, वो शरीर तो पतित है ना, जिनको ज्ञान सुनाता है वो भी पतित शरीर वाले हैं, आत्मा भी पतित है। आत्मा कहती है अब हम बोध में कैसे जावे, आत्मा को तो गोद नहीं ले सकती, क्यों है, अरे बुद्धि में बिंदी समझो और बिंदी को बिंदी की गोद में बैठा दो, आत्मा को तो गोद दे ही नहीं सकते। शरीर से ही सब काम होता है, शरीर से ही सब काम होता है, सुख देने का भी काम होता है और सुख देने का भी काम होता है। अभी भी तुम बच्चे शरीर द्वारा ही मिलते हो, क्या आत्मा परमात्मा बाप से कैसे मिलती है, शरीर के द्वारा मिलती है। इनकी गोद में आते हो तो ये कह देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं, फिर तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। उनकी याद में न रह करके कोई काम करेंगे तो तुमको पाप लग जाएगा। इनकी याद में, जो बाबा की याद में रह करके कोई काम नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं फिर दूसरे जन्म में दूसरी गोद होगी, वहां तो देवताओं की गोद होगी, देवताओं को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, और तुम तो अभी शिव बाबा की ऊंचे से ऊंचे गोद में आते हो, तो पाप लगने का सवाल ही नहीं। ये ईश्वरीय गोद एक बार ही मिलती है, फिर 84 जन्मों में कभी ये ईश्वरीय गोद नहीं मिलेगी।
मम्मा को भी छोड़ करके बाबा को याद करना पड़ता है, है? अभी क्या बोल रही हूँ, मम्मा को याद करना है, मम्मा की याद नहीं करना है, क्या करना है, बाबा को याद करना है। मम्मा की महिमा कर सकते हैं लेकिन याद नहीं, याद बाबा को करना है। हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, कोई मम्मा की गोद में नहीं आए हैं। वास्तव में गोद में भी आने की दरकार नहीं है, क्या क्यों ऐसे क्यों कहा? गोद में आने का मतलब क्या है? लोग तो दुनिया में माँ बाप बच्चे को गोद लेते हैं, उसका क्या मतलब है कि बच्चा उन माँ बाप का बन चुका। गोद में लेना माना जो बच्चा है वो उनके अधीन हो गया, उनका बन चुका। तो गोद में लेने आने का मतलब है हम बाप के बन चुके। गोद में आना माना बाप के बन गए और देहधारी के नहीं बन गए, रामकृष्ण के नहीं बन गए, किसके बन गए? शिव बाबा के बन गए। तो मुख से ये कहना है, दिल में ये बैठा हुआ हो बाबा अब हम आपके हो चुके, ये है वास्तव में गोद में हम। आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। बहुत है बाबा को कब देखा भी नहीं है, बांधेलियां हैं बाहर में रहती हैं, लिखती हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे बन चुके। बुद्धि में ज्ञान तो है ना, आत्मा कहती है हम शिव बाबा की बन चुकी, इनके पहले हम पतिति की गोद में थे और अब हम ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप की गोद में आए हैं। भविष्य में फिर पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। तो यह तुम्हारा जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा जन्म सिर्फ इस संग युग में बनता है। सत्युग में हीरे जैसा जन्म नहीं होगा, कैसा होगा? सोने जैसा जन्म होगा, चांदी जैसा जन्म होगा, लेकिन हीरे जैसा जन्म सिर्फ संगम में बनता है। क्यों? क्योंकि बाप है चमकता हुआ हीरा, हीरो पाठधारी, हीरो पाठधारी की कितनी महिमा होती है। तो हम बच्चे भी उस हीरो पाठधारी के संग के रंग में आने से हीरे की तरह ज्ञान की चमक मारने वाले बन जाते हैं। इनको संगम युग कहा जाता है। संगम कोई उस पानी के सागर का और नदियों का नहीं होता है, वो तो स्थूल नदियां हैं, स्थूल सागर है, और यहां कोई पानी का सागर नहीं है, पानी की नदियां नहीं है। नदियां भी चैतन्य है और सागर भी चैतन्य है। तो देखो रात दिन का फर्क हो जाता है। वहां गंगा सागर का मेला होता है, नदी और सागर का मेला होता है, तो वहां ज्ञान की कोई बात ही नहीं, और यहां तो ज्ञान की ही बातें हैं। तो संगम कोई पानी की सागर को नहीं कहा जाता। ब्रह्मपुत्र बड़ी से बड़ी नदी है। क्यों? गंगा बड़ी नदी नहीं है? ज्यादा गायन किसका है? गंगा का ज्यादा गायन है या ब्रह्मपुत्र का ज्यादा गायन है? गंगा का ज्यादा गायन है, लेकिन बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र ज्यादा बड़ी नदी है। ऐसे क्यों कहा? ब्रह्मपुत्र है, गंगा पवित्र है, ब्रह्मपुत्र अपवित्र है, जो पारों पारों पर बहती है, पहाड़ों पे बहती है,
तो उसमें कचरा कम पड़ता होगा। और गंगा तो पहले पहाड़ों पर बहती है, फिर मैदान में आती है, तो उसमें कचरा भी गिरता है मनुष्यों का। तो ज्यादा पवित्र नदी कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र ज्यादा पवित्र हुई, लेकिन गायन किसका है? गंगा का गायन है। लेकिन बड़ी नदी नहीं है गंगा, बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसलिए जो छोटी नदी गंगा है वो बहते बहते जाकर के बड़ी नदी में मिलती है। कौन सी बड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी में जाकर मिलती है। फिर भी ब्रह्मपुत्र सागर का मेला नहीं कहा जाता, क्या कहते? गंगा सागर का मेला कहते। नदियां जाए सागर में गिरती हैं। तुम भी ज्ञान सागर शिव बाबा से निकली हुई गए नदियां हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, और बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो बड़ी नदी क्यों बताया उसे? हाँ, पहले नहीं, ये भी बात ठीक है। भले गंगा पहले ज्ञान लेती है, लेकिन ज्ञान देती नहीं है पहले पहले। ज्ञान गंगाएं निकलती हैं अंत में, फिर ज्ञान देने के निमित्त बनती है। और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, बड़ी नदी जो ब्रह्मपुत्र है उसमें गंगा भी जाकर के मिलती है। ज्यादा पानी किसमें होगा? गंगा। तुम भी जानते हो जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा ठहरा, जिसमें कम ज्ञान वो छोटा ठहरा। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री भक्ति मार्ग में कहा जाता है, और बाबा नाम क्या देते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्यों बाबा मेल क्यों कर देते हैं? रुद्रमाला का मड़का है, रुद्रमाला के मड़के से मिल जाते हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मपुत्री कहते हैं, बाबा बात असली बताते हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़ी से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, इनका नाम भी ब्रह्म है ना? इनका है ब्रह्म का नाम। ब्रह्म का नाम क्या है? ब्रह्म। और ब्रह्मा से जो पैदा होगा उसका नाम ब्रह्मपुत्र। सागर से इनका कितना मेल है? किनका? ब्रह्मपुत्र का कितना मेल है? जैसे पति पत्नी का मेल होता है तो पति पत्नी का ज्यादा मेल होता है, या दूसरे संबंधों का ज्यादा मेल होता है? पति पत्नी का ज्यादा मेल होता है। तो बोला सागर से ब्रह्मपुत्र का कितना मेल है? क्या मतलब हुआ? नहीं, जगदम्बा जो है वो तन से तो मिलती है, लेकिन मन से मिलती है क्या? है ब्रह्मपुत्र जो है तन से, मन से, धन से, समय संपर्क संबंध से, सब प्रकार से सागर में मिलकर एक हो जाती है। इसलिए बोला सागर से इनका कितना मिले, माने जो लक्ष्मी है वो सागर से मिलकर के एक हो जाती है। कितनी एक हो जाती है? कि त्रेता युग में जब जन्म होगा तो वो राम और वो सीता बन जाए, माने दोनों आत्माओं का समान स्वभाव संस्कार बन जाता है। तो बुद्धि में ये बात धारण करो, तुमको मालूम है ना ये नदियां कहां से निकलती है? हिमालय। पानी हिमालय पर जो बर्फ है वो जमी हुई होती है या बहती हुई होती है?
है, पानी भी जाम हो जाता है, बहता नहीं है। तो ब्रह्मा हुआ हिमालय, उनका ज्ञान जल इतना ठंडा शीतल हो जाता है कि बर्फ की तरह जम जाता है, बहता नहीं है। क्या वो हिमालय पहाड़ की तरह, इसलिए पार्वती को किसकी पुत्री कहा जाता है? हिमालय पुत्री। तो बुद्धि में ये बातें धारण करो, तुमको मालूम है ये नदियां कहां से निकलती है? सागर से ही निकलती है, सागर से निकलती है कि पहाड़ से निकलती है? सागर से पानी, हाँ सागर से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर वो हिमालय पहाड़ पर जम जाता है। सागर से मीठा पानी बादल खींचते, सागर के बच्चे जाए सागर में मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकले, फिर वहां से चले जाएंगे। ये है ज्ञान सागर, जहां ये रहती है वहां तुम आत्माएं भी रहती है। ज्ञान सागर जाकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। अभी पवित्र मीठा बना रहे हैं ना, आत्मा जो भारी बन गई है उनको कितना मीठा बनाते हैं। पांच विकारों की छींची थी रावण, तुमको खारा बनाए देते हैं। छींची रावण से तुम निकलती हो तो तुम तमो प्रधान बन जाती हो, बाप आकर तुमको सतो प्रधान बनाते हैं, बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितनी तत्व प्रधान स्वर्ग में रहते थे, अभी तुम बिल्कुल चीची बन गए। रावण ने तुमको देखो क्या बनाई दिया। भारत में गाया जाता है हीरे जैसा जन्म मूल तो कौड़ी बदले खाए रे जाए रे, तो कौड़ी बदले तुम अपना जन्म खोए रहे हो ना। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कौड़ियां भी जाती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं हमारे लिए तो अभी यही स्वर्ग है। तुम बच्चे अभी समझते हो, जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म, कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि। पहले हम भी ऐसे थे, अभी देखो बाबा हमको क्या बनाते हैं। एम आप जैसे तुम्हारे सामने है, क्या एम आप जैसे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी हम बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल बन गया है, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम कौड़ी जैसे बन चुके हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अवलाए हो, कोई बड़ा आदमी होगा उनको यहाँ बैठने की दिल भी नहीं होगी। बड़ा मिनिस्टर आवेगा तो कहेगा हाँ भैया जाके, क्यों क्यों उनकी दिल नहीं होगी, क्यों उनको देहवान देहवान बहुत रहता है। तुम कितनी साधारण बनाए हो, जहां बड़े बड़े आदमी गुरु सन्यासी आदि लोग होंगे वहां बड़ी बड़ी सभाओं में वो बहुत जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाता ही नहीं, मैं तो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूं। गरीब रिवाज हो ना, भगवान बाप गरीबों की रक्षा करते हैं, गरीब तो गरीब ही रहते हैं, वो गरीब कोई साहूकार थोड़े ही बन जाते हैं। आज की दुनिया में क्या होता है, गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार साहूकार बनते जाते हैं।
तो गरीब जो गरीब बनते जाते हैं उनकी फिर रक्षा कौन करता है? कोई रक्षा करता है क्या? अभी तुम जानते हो तुम सचिव में कितने साहूकार थे, अभी फिर तुम साहूकार बनते हो। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पद्मपति हो, वहां पैसे पर मारामारी नहीं होती है। कहां सचिव में पैसे पर जमीन जायदाद पर मारामारी नहीं होती है। यहां तो देखो पैसे पर मारामारी कितनी होती है, सब इस दुनिया में डाकू बन गए। सब डाकू बन गए माना है, यथा राजा तथा प्रजा। रिश्वत कितनी मिलती है, रिश्वत लेने वाले भी क्या है, वो भी एक तरह से डाकू है। बड़े आदमी बनते हैं तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। रिश्वत खोरी को कितना बंद करते हैं, जितना बंद करते हैं उतना ही और जाती बढ़ती जाती है। पैसे तो उनको चाहिए ना, तुम जानते हो हमारा बाबा खजाना भरपूर कर देते हैं, जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु इसके लिए पुरुषार्थ पूरा करो। ये तुम्हारे ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। क्या जन्म जन्मांतर तो बनेंगे ही, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हारे ज्ञान रतन तुम्हारे लिए स्थूल धन बन जाएंगे। गफलत मत करो। कहा जाता है फालो फादर, फादर को फालो करो तो तुम भी फादर जैसे बन जाएंगे। तो